एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता, दर्शकों आपको मौसम का हाल और ट्रैफिक का अपडेट दे दें। जी हाँ, जिस तरह से मौसम सुहावना तो है, लेकिन मौसम जो है कई बार रुकावट भी बन जाता है, और इस बार मौसम जो है वो रुकावट बन गया। जी भारी बारिश के कारण रामबन में 500 के करीब व्हीकल्स, वाहन जिन्हें हम कहते हैं छोटे या बड़े, वो फंस गए हैं। जी हाँ, बीते दिन की बात करें तो बीते दिन जिस तरह से मगरकोट में लैंडस्लाइड हुई थी, तो वहाँ पर भी जो है लैंडस्लाइड को क्लियर करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्य में जुट गई थी, और संभवतः आज दोपहर तक वो क्लियर होना था। लेकिन जिस तरह से अब रामबन में भारी बारिश के कारण जो है रास्ता बंद हो गया, नेशनल हाईवे बंद हो गया, तो क्लियरली ये बता दिया गया कि 10 से 12 घंटे जो हैं वो लग सकते हैं रास्ते को क्लियर होने पर। अलग ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कार्य में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रास्ते को क्लियर करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। इसी बीच में पुलिस प्रशासन ने अपील की है लोगों से, लाइट मोटर व्हीकल से, कि वो अपने अपने घर की तरफ अगर वो लौट सकते हैं, वापस जा सकते हैं, तो उन्हें अपनी गाड़ी जो है वापस दूसरी डायरेक्शन में ले लेनी चाहिए। और अब किसी भी नई गाड़ी को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो नेशनल हाईवे पर जो है वो एंटर हो सके। इसी बीच में पुलिस प्रशासन ने पब्लिक से कॉपरेट करने की अपील की है, और उन्होंने कहा कि जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता, पब्लिक को जो है पूर्ण रूप से कॉपरेट करना होगा। जी हाँ, कल की बात करें तो कल मगरकोट में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई, तब से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कार्य में जुट गई, लेकिन रामबन में जिस तरह से तेज़ भारी बारिश हुई है, उसके कारण जो है नेशनल हाईवे पूर्ण रूप से बंद हो गया है। इसीलिए दर्शकों आपसे भी यह हम अपील करना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आना चाहते हैं, तो अगर आप अभी नहीं निकले हैं तो आप अपना ट्रैवल प्लान जो है उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि रास्ते में जो है कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।